टेप लगाई थी डॉक्टर्स ने, सो जा, तंग कर रहा है, जो करेगा ठीक है। मेरी छोटी सी जान को कैनुला लगा है, अभी तो सो रहा है ना। बिल्कुल नेचुरल खाना खाओ, सांस आना बंद हो गया। क्यों परेशान है? आंख ठहर गई इसकी, मुझे सांस लेना बंद कर दे। तो ना रोना बंद कर दो, इसको गले लगाओ, इसको गले लगाओ। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? अभी बज रहे सुबह के 11 और जैद की तबीयत थोड़ी सी बेटर लग रही है, क्योंकि क्या है, रात को चीकू के पापा आए थे और रात को गाइस मैं इतना ज्यादा रोई क्योंकि ना जैद का जो कैनुला है ना पैर वाला, वो सूज गया था पूरा। मतलब उसने ना टेप लगाई थी डॉक्टर्स ने, तो वो इसके पैर ही इतने छोटे से, तो ऊपर पूरा पैर ना स्वेलिंग हो गई थी। फिर उसके बाद चीकू के पापा को मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है इसको निकू लेके जाने की, दोबारा प्रिक करवाने की, आप आ जाओ फटाफट। वो 2 मिनट के अंदर आ गए, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए फ्रेश होने के लिए घर गए थे, और जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए घर गए तब से रोने लग गया। फिर चीकू के पापा आए, उसे निकू लेके गए, उसके हाथ ने प्रिक करवाया। तो रात को 1 बजे से लेके अभी सुबह के 10 बज गए हैं, तो उसने बीच में 3 बार वाटरी स्टूल करा है। तो बस अभी डॉक्टर ने बोला है, जो दवाइयां बोली है उसको दवाई पिलाई, टफ फ्रू बोली है वो पिलाई है मैंने, अभी वो सो रहेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ना मैं भी सुसु करके सोया है, और सच में ज्यादा अभी उठ रहा है ना, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब घर पे होता है ना तो मैं उसको कभी कभी ऐसे बोल देती हूँ, बेटा सो जाना सो जाना, तंग कर रहा है। बट अब वो तंग नहीं कर रहा ना, तो मैं ये चीज सोच रही हूँ। मैंने आज दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी नहीं उसको बोलूंगी सो जा तंग कर रहा है, जो करेगा ठीक है, ऐसे मैं बोल देती हूँ। बट जब बच्चा नहीं करता ना तंग, तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो अभी भी पायल का फोन आया, शांति भी ना घर पर नहीं आई, क्योंकि क्या शांति को फीवर हो रहा है, 2 दिन से उसकी तबीयत खराब थी, आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो उसने बोला दीदी मैं नहीं आऊंगी। तो घर पर लक्ष्य और पायल है, पर पायल के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा गाइस कि ये सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि क्या है कि बच्चे भी हैं घर पे साथ साथ, फिर फीडिंग भी करानी है, घर भी देखना है। और पता नहीं गाइस हो क्या रहा है, मतलब जब से ना हम प्रेगनेंट डिलीवरी हुई है ना मेरी पायल की, तब से हम हॉस्पिटल के चक्कर काट जा रहे, इतने हॉस्पिटल के चक्कर काट लिए कि बस अब ऐसा हो रहा है कहीं भी चले जाओ हॉस्पिटल नहीं जाना। तो गाइस दुनिया में ना सबसे मुश्किल जो टाइम है ना वो ये होता है, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को देखना, वो इतना छोटा 1 महीने का बच्चा क्या होता है। सच में ये जो 2 दिन है ना मेरे कैसे निकले हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मतलब जो एक माँ जो मुझे भी सुन रही होगी, जो मेरे व्लॉग्स देख रही होंगी ना, वो समझ सकते हैं कि मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, शायद मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बोलते ना इंसान के पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है, वही वाला हिसाब है। कल का जो सीन था ना मेरे से, रात को भी मैं 2-3 बार के ज्यादा ही 4-5 बार पता नहीं याद नहीं, इतनी बार उठ उठ के बार बस जैद को देख रही, ठीक है ना उसका हाथ ठीक है ना, स्वेलिंग तो नहीं आ रही कहीं, क्योंकि क्या बच्चे को दोबारा बार बार प्रिक करवाना ना। मेरी छोटी सी जान को कैनुला लगा हुआ है, छोटी सी मेरी बेटी। 2 घंटों से ऐसे बैठी है दीदी, ऐसे बैठे रहोगे पैर थक जाएंगे, दे दो। मैं 2 घंटे हो गए आपको सुला के, देखो कोशिश करते आ जाओ। तो ये जो है ना इसको सुला, इसको यहाँ सुलाती हूँ ना, चमक रहा बार बार चमक रहा, तो मैं इसके साथ बैठती हूँ। तो गाइस मैं भी इसलिए उठ गई थी क्योंकि ना क्या है, रात से यहाँ पे लेटी हुई है ना, पैर अकड़ जाते हैं लेटे लेटे, तो पता है ना कि ड्रिप चढ़ रही है, तब तो इंसान का पैर नहीं करते, जब ऐसे लेटते है ना तो पैर अकड़ जाते हैं। तो थोड़ा खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा सा मुंह हाथ धो कर आई, ब्रश करके आई, बस अब दीदी इसको जैद को यहाँ पे लेटा रहे हैं, मैंने कहा चल मेरे साथ लेट जाएगा तो मैं इसको हाथ रख लूंगी, अकेले लेटता है ना ऐसे ऐसे ना डर जाता है जल्दी। तो गाइस अभी बज गई है दोपहर के 1 और घर से आ गया था मेरे लिए और सपना दीदी के लिए नाश्ता। घर पे क्या है, पायल और लक्ष्य दोनों है काम करने के लिए और कोई है नहीं, जैसे कि बताया ना शांति की छुट्टी है। तो बस अभी थोड़ी देर में ना चीकू के पापा आएंगे, तो सपना दीदी पहले चली जाएगी, दीदी आप चले जाना नहा धो लेना, फिर जब दीदी आ जाएगी नहा धो के फिर मैं चली जाऊंगी एक बार घर पे। बीच में शाम को पायल जब आ जाएगी ना, शाम को एक चक्कर मैं लगाऊंगी, तब मैं जाकर थोड़ा सा नहा धो लूंगी, क्योंकि ना हॉस्पिटल में सब कुछ है, बाथरूम है सब कुछ है, बट ना यहाँ पे ना इंसान नहा धो नहीं पाता सही से। तो यहाँ पर आ गया नाश्ता, घर से नाश्ता है और चाय भी आई, क्योंकि ना गाइस सर में इतनी तेज दर्द हो रहा है, इतनी तेज दर्द हो रहा है। और मैंने ना कल भी निसी प्लस खाई थी, ठीक है, और आज भी मैंने निसी प्लस अपनी रखी हुई है, मैं सर दर्द की गोली खा रही हूँ। मुझे पता है सर दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ, रोने की वजह से ना अभी मेरी आंखें ऐसी हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द। तो मैंने सोचा पेन किलर खा लूंगी ना, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, बस नाश्ता कर लेती हूँ फिर खाती हूँ पेन किलर। तो गाइस जैद ना बिल्कुल भी ना ORS का जो घोल है वो पी नहीं रहा, तो डॉक्टर ने बार बार बोला था कि ORS का घोल इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लूज स्टूल्स में पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और ग्लूकोज तो चढ़ रहा है बट फिर भी। तो किसी का कमेंट आया था, मुझे पायल ने बताया अभी फोन करके, गोलू अगर जैद ORS का घोल नहीं पी रहा ना तो कोई बात नहीं तू पी ले, क्योंकि अगर तू पिएगी तेरी फीट से डायरेक्टली उसको चला जाएगा। तो मैंने कल भी 2 पैकेट ORS के घोल पी थे, अभी भी ORS पड़ा हुआ है, मैं पी लेती हूँ। तो अभी मैं पहुंचा हूँ हॉस्पिटल और जैद की तबीयत मतलब अगर हम बोले तो आराम है पहले से, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा, आप लोगों की दुआएं हैं। यहाँ पर कालू भाई आज थोड़ा रंगीन बना दिया हमने, क्योंकि कालू भाई ना बहुत ही सिंपल कपड़े
कपड़े पहनते, मैंने बोला थोड़े कपड़े वपड़े पहना का जब पड़े हैं, है ना भाई सूरज, जिंदगी है, जिंदगी जी गई, हाँ से लाइफ चेंज कर दिया, नहीं कपड़े जितने मेरे सारे पहने है ना भाई सूरज। चलो दीदी मैं घर होकर आती हूँ, आधे घंटे में आ रही हूँ, आधे घंटे में है, अभी तो सो रहे हैं ना, उठ रहे, चलो फिर मैं आधे घंटे में आती हूँ, दूध पी लिया अब तो, नहीं सही गर्म पानी की बाल्टी भरी हो, ठीक है ठीक है, चलो मैं आधे घंटे घंटे तक आ रही हूँ, आप दीदी जैद देख लेना, ठीक है ठीक है, जैद क्या देखेगा, जैद को आप देखना। बस मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल से, और क्या बोलते हैं पाल का फोन आया, गोलू कहाँ पर है, मैंने कहा बस हॉस्पिटल से निकली हूँ, पाल आ रही हूँ, पाँच मिनट में आ रही हूँ, ये तो शुक्र है पास में घर है, आना जाना हो जाता है, अगर पास में घर ना हो ना तो बहुत मुश्किल हो, बस मेरे पास आधा पौना घंटे का टाइम है, क्योंकि मुझे पता है अगर जैद को एक बार फीट कराओ ना तो वो एक घंटे तक तो सोएगा, तो बस दीदी यही बोल रही थी, कहती जैसे वो लगेगा ना मैं वो रो रहा है तो फटाफट उसी वक्त आ जाइए, मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी, अब टेंशन मत लो, ये रहा घर। तो गोलू आई है अभी अभी घर पे फ्रेशन अप होने आई है, और गोलू एक काम करती हूँ सुन, मैं खाना तेरे को अभी गरम गरम खिला देती हूँ, सुबह तो तूने खाया नहीं होगा ढंग से, क्योंकि छोले और भिंडी दोनों नहीं खा सकते थे, तरी तरी खाई थी, तो अभी मैंने आलू की सब्जी बनाई है, साथ बहुत अच्छी भी बनी थी कड़क, इससे बनाई थी चाय, बनाई इसलिए थी मैं बता देती हूँ, पर उसको ना काफी देर तक उबाला मैंने, मैं सोच रही हूँ आज इतनी कड़क चाय मिल रही है, बिल्कुल एकदम काली चाय, ये बनाई तो तूने थी और उसे कड़क मैंने किया था, दो तुम्हें भेजे हो, मैंने भेजी है, हाँ इसने भेजी, इसने बनाई थी चाय, तो मैंने गोलू के लिए यहाँ पे ये लड्डू जो हमारे प्रेगनेंसी में आए थे ना वो अभी तक खाए नहीं थे, वो पैक कर दिए, काजू बादाम पैक कर दिए, काजू कतली पैक कर दिए, क्योंकि इसकी डाइट मुझे ठीक करनी पड़ेगी, ये अगर डाइट सही नहीं रखेगी ना तो फिर क्या डाइट उसको क्या फीड कराएगी, तो अभी साथ में मैं इसको रोटी सब्जी पैक करके दे रही हूँ, साथ में ये पैक करके दे रही हूँ, खा लियो जो मैंने भेजा सब कुछ खा के खत्म कर दियो, वेस्ट मत करियो, ठीक है, चीकू जा रहा है साथ में मम्मी के, चल ठीक है। तो गाइस अभी बच चुके हैं शाम के 5 और मैं शावर वगैरह हो गया है, सबका खाना पीना हो गया, बस शाम का खाना करना है, शाम का खाना करूंगी मैं 7 बजे के करीब उठ के, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, वरना फिर मैं भी मार पड़ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा घर में, तो मैं जा रही हूँ अभी रेस्ट करने। आज से ध्यान रख पाल, सुबह उठेगी, सुबह उठते एक गिलास दूध काजू बादाम, ठीक है, दोपहर को उबली हुई दाल रोटी सैलेड, पराठे बंद चाय बंद, अगर मुझे व्लॉग में या फिर कहीं भी दिख गया ना तुम्हारी लाइफ में पराठे या फलाना दिखड़ा, ये बार दाल में डालो खाओ, थोड़ा डाइट का ध्यान रखो, डाइट अच्छी रहेगी ना बच्चे अच्छे हो जाएंगे, पराठे बंद कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो, 6 महीने तक बिल्कुल नेचुरल खाना खाओ जो घर का होता है, उल्टा सीधा बिल्कुल बंद कर दो, तुम उल्टा सीधा खाओगे ये बीमार हो जाएंगे, समझ आ रही है, सिंपल रोटी दाल हरी सब्जी सैलेड दबा के पेट भर के खाओ, दिन में 3 बार दूध पियो, काजू बादाम खाओ, सारा साफ सुथरा खाना, ठीक है, पराठे बिल्कुल बंद, एक टाइम चाय पी लो किसी भी टाइम, बार बार चाय चाय नहीं। देखो गाइस क्या है ना कि हमारे घर में बड़ा कोई नहीं है, सपना है, उसके बाद मैं हूँ, कालू भाई है, तो जितना हमसे हो पा रहा है कि बच्चों का ध्यान रखना, गोलू पायल या फिर पूरी फैमिली का ध्यान रखना, उतना हम रख पा रहे हैं, ना तो हम कहीं बाहर अयाशी करते हैं ना कुछ करते हैं, 24 घंटे आपको हमारे घर के व्लॉग ही दिखते हैं, ये नहीं है कि हम बच्चों को छोड़ के बाहर घूम रहे हैं या फिर अपना कुछ भी पहनने या फिर कुछ भी कर रहे हैं, हम सारा टाइम इन बच्चों को देते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि आपको पूरा सीन पता ही है क्या हुआ है कि तूबा को सुलाया था और सोते सोते वो बहुत ज्यादा डर गई, डरने की वजह से उसे सांस लेना बंद कर दिया, मतलब सांस भूल गई थी वो लेना, और इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी रो रो के, अभी जो है सब ठीक है, तूबा भी सो रही है, मैंने उसके पास में जो है भजन चलाए और वो भजन चला के दोनों बच्चों को सुलाया, अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ दलिया, मेरे लिए और गोलू के लिए दोनों के लिए मैं बना रही हूँ दलिया, दूध वाला दलिया, अभी रात को दूध वाला दलिया और दाल बनाऊंगी लाल पीली वाली दाल, गोलू के मतलब अभी सपना दीदी घर पे आई है फ्रेशन अप होने के लिए, तो साथ जाएंगी तो लेके जाएंगी, फटाफट से ये सब बना के मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि रेस्ट हो ही नहीं पाया आज। तो गाइज मैं जो दलिया बनाती हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ पहले दलिया को ना रोस्ट करती हूँ कढ़ाई में, खाली कढ़ाई में, कोई घी और कुछ भी नहीं, सिर्फ कढ़ाई के अंदर खाली दलिया, उसको जब तक ब्राउन हो जाता है ना उसके बाद में उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड करती हूँ, और पानी में अच्छे से उसे उबालती हूँ ताकि जो दलिया है वो पक जाए प्रॉपर तरीके से, जब वो पक जाता है ना उसके बाद में उसमें दूध और चीनी ऐड करती हूँ, और बाद में जो ड्राई फ्रूट होते हैं काजू बादाम उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके वो डालती हूँ, और इस तरीके से अगर आप दलिया बनाओगे ना, मतलब जो नहीं भी खाता होगा ना वो भी आपका दलिया खाएगा, इतना टेस्टी दलिया बनता है, एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। और यहाँ पे जो है मैंने दाल जो है लाल पीली वो भी धो ली है, दाल एक तरफ दाल उबल जाएगी एक तरफ दलिया रेडी हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यहाँ मैंने दलिये में डाली है ब्राउन वाली ब्राउन शुगर, क्योंकि ब्राउन शुगर अच्छी होती है, लोग कहते हैं खाने में अच्छी होती है, ब्राउन शुगर खानी चाहिए, तो मैं एक बार लेके आई थी वो रखी हुई थी ब्राउन शुगर, तो मैंने इसमें डाल दी। और ड्राई फ्रूट का जो है ना मैंने पाउडर बना लिया, पाउडर बना के ना ये मुंह में भी नहीं आता और बंदा खा भी लेता है, अगर मुंह में आता है ना फिर वो खाया नहीं जाता, मुझसे तो ना हलवे में ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं ना वैसे खाए जाते हैं, तो इस तरीके से ना दलिये के समय ड्राई फ्रूट खा लेती हूं। यहां पे मैंने ना आटा गूंथ के भी रख दिया ताकि जो भी रोटी बनाएगा ना वो इजी हो जाएगा, आटा गूंथना वो मिलेगा। तो गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों को क्या हुआ है, किसकी नजर लगी है, अभी अभी पाल की कॉल और इतनी घबराई हुई है, वो क्या हुआ था ना कि तूबा को फीड करा के सुलाया है और सुलाते ही ना अचानक से उसको सांस आना बंद हो गया, और फिर पायल तो पता ही आपको कितनी घबरा जाती है छोटी सी बात के लिए, तो बस ये है कि समझ नहीं आ रहा क्या, और अभी घर जाके पता लगेगा क्या कुछ रिपोर्ट है।
क्यों परेशान है, है? क्या हो गया? शांत तो है, आंख ठहर गई थी इसकी, सांस ले रही थी और मुश्किल हो गई थी, है? मुझे सांस लेना बंद कर दे। तोबा तोबा, दूध पिला, दूध पिला के देखेगा, उठ नहीं रही अभी। एक बार फीट करा के देख लेना, ट्राई किया। टेंशन मत ले, सब ठीक है, थोड़ा होता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? रोया मत कर तू, एक तो ना रोना बंद कर दो। हर छोटी छोटी बात के लिए रोते ना, मुझे गुस्सा आता है। गुड्डू टेंशन तो जाएगा। पर रोने से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगी? मनुष्यत्व फैलती है रोने से। घबरा गई थी गुड्डू बहुत। रोना बंद कर दे बाल, मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, रोना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूबा खड़ा हो बेटा, चलो खड़ी हो। अभी दूध पिला के देख, अभी दूध पिलाया था। ठीक थी, दूध पिला के सुलाई थी इसे। अच्छा, सुला के मैं यहाँ बैठी थी, मैं वहाँ सो एकदम से भाई मेरे पास ऐसे घबरा के कह रही इसको गले लगाओ, इसको गले लगाओ। फिर मेरे को ये हो गया, ऊपर वाले का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। हमारे घबराने से कुछ नहीं होता, हम टाइम पे फीड करवा रहे, टाइम पे ध्यान रख रहे हैं, ऊपर वाला सब ठीक करता है। ठीक है, वहाँ पे वो परेशान है, यहाँ पे तू परेशान है, ऐसे थोड़ी चलता पायल। नहीं, सुबह से ठीक थे दोनों बच्चे, मैंने फीड भी कराया, नहलाया धुलाया, मालिश भी करी, एकदम से ऐसे कर दिया इसलिए। मतलब मुझे दे इसको, चल अब रो मत, ठीक है? अब इसको फीड करा और फीड करा, बता क्या रिपोर्ट है। ठीक है, थोड़ी सी क्या बताऊँ, नजर लग गई है घर को। वैसे तो मैं नहीं मानता नजर वजर को, कुछ नहीं मानता, अगर कुछ है थोड़ा वो तो मैं हाइजीन को मानता हूँ, बच्चे थोड़े हाइजीन में रहते हैं तो वो भी घर में बहुत साफ सफाई रहती है, बाहर का कोई आता नहीं है। हम घर के 5-7 लोग हैं जो घर पे रहते हैं 24 घंटे के लिए। अभी फीड करवा और उसके बाद बता क्या हाल है। ठीक है, रोना बिल्कुल बंद, आज के बाद रोती मिल गई ना बाल, मेरे से बात मत करियो, समझ गई? रोना सबसे बुरा होता है, मानता हूँ तू घबरा जाती है, पर बेटा नहीं करते, नहीं करते, पक्का? हाँ, मेरी कसम। तो सुबह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, जैसे मिल गया हूं तो अभी मुझे टाइम मिला है। अभी बज रहे 9, तो गोलू के लिए खाना ले लिया। दीदी ने यहाँ देखो पकड़ा हुआ है, क्योंकि ना बहुत भारी हो रहा था ये नीचे से, तो सामान टूट ना जाए, गिर ना जाए, इसलिए दीदी ने यहाँ पकड़ा। मैंने यहाँ चाय ली है, और चीकू ने बहुत ही प्यारा मदर्स डे पे ना हमारे लिए कुछ लिखवाया तन्नू से, तो कह रहे मम्मी को भी खा देना, तो लेके जा रही हूँ। तो बस हॉस्पिटल पहुँच गया, और दीदी का ना थैले में सारी दाल गिर रही है, दाल भर गई है। मैंने बोला था लक्ष्य टाइट नहीं किया, वो कहती फुल टाइट है, फुल टाइट। तो दाल गिर रही है, पर दीदी ने संभाल संभाल के पकड़ी हुई है। और बस अब पूरे दिन से अब मिलूंगी मैं जैद से, बस मेरा बच्चा जल्दी घर आ जाए कल की कल। चीकू ने तेरे कुछ भेजा है क्या? देख ले कुछ भेजा है, लेटर है। आज मदर्स डे है ना, हैप्पी मदर्स डे चिरायू माय मदर पायल एंड गोलू। माय मदर्स हैव 4 बेबी, 3 बॉयज एंड 1 गर्ल। आई एम द बिगर वन बॉय, ईस्ट और वेस्ट, माय मदर इज ऑलवेज बेस्ट, लव यू सो मच एडवांस में। आज है मदर्स डे, फिर भी मैं मना रहा हूँ फादर्स डे। अच्छा, आज है मदर्स डे, फिर मैं मना रहा हूँ फादर्स डे। माय फादर इज माय अरमान मलिक, आई लव यू सो मच, ईस्ट और वेस्ट, माय फादर माय मदर ऑलवेज ये कह रहा है। मम्मी को दिखा के आना मेरे का, ठीक अच्छा है। तो गाइज मैं अपना बाबू से मिल चुकी हूँ, अब मैं पहुँचती हूँ घर, क्योंकि 10 बज गए हैं। और घर पे ना चीकू मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोएगा नहीं, और सुबह उसको जाना है स्कूल, तो सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। और बच्चे भी दोनों घर पे अकेले हैं, अकेले तो क्या है, घर पे हैं लोग, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना। गोलू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, तो अयान अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ जा। अब दीदी लाइटें वाइटें बंद करके इसको खाना होने लगा के सुला दो, ये तो नहीं सोएगा, नींद में तो लग रहा है, नहीं सोएगा, कोई नहीं, दो तीन थोड़ा सा रिलैक्स भी तो हो जाएगा ना। तो जब मैं आई ना, जैसे मैं पहुंची ना, तो इसके बाद ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो गोलू ने बताया कि जस्ट तूने यहाँ पे पैर रखा है और ये अभी उठा है, अभी रोया। अभी इसको जो है, जो कल मैंने दवाई दी थी ना, आज फिर वो दवाई मैंने ही आके दी है। गोलू ने कहा तूने दी थी, तू ही आके दे, तो मैंने आके दी थी, मदर फीड में ये दवाई उसको डाल के दी है। फिर मैं जा रही हूँ, ठीक है? तू खाना खा लियो, दलिया भेजा। अच्छा नहीं लगता ना, एक बंदा हॉस्पिटल में, मन सा नहीं लगता घर पे बिल्कुल भी, ऐसा बस ऐसा हो रहा है दीदी, हॉस्पिटल मेरे को बस ऐसा हो रहा है, घर जाऊँ। दीदी जब मैं और आप हॉस्पिटल में थे, जब मैं एडमिट थी, मैं कैसे बोल रही थी, तो बस भागने को, मैंने को मेरे को घर भेजो, मेरे को घर भेजो, मेरे को घर भेजो, ऐसा। यार तो हम ना बड़े हैं, हम जिद कर सकते हैं, बट इसके साथ क्या है, ये छोटा है, इसको मुझे देखना है ना, मैं छुट्टी। तू तो ये कह रही थी कि कल छुट्टी, मैंने कहा जब तक इसके लूज मोशन ठीक नहीं हो तब तक घर नहीं आना, इसके बंद नहीं होंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं हैंडल कर सकती दीदी, बार बार इसको कहाँ प्रिक कराऊंगी मैं, कितना कितना आराम है, आराम कम है दीदी, आराम है, इन्फेक्शन है गाइस, इसको ना इन्फेक्शन है, इसको दवाई नहीं दे सकते, रोक नहीं सकते, मतलब देखो बड़ों का अगर लूज मोशन होता है, रोको खा लेते, रोको खा लेते हैं, और एक और दवाई ऑन ऑफ खा लेते हैं, लेकिन बच्चों के हम लूज मोशन रोक नहीं सकते, इससे क्या है और तबीयत खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला है इसका जब तक अंदर इन्फेक्शनों से निकलने दो, और बाकी जो है यहाँ पे दवाइयाँ तो चल रही है इसकी, जब से आई ये तो कंटिन्यूस मैंने, मतलब जब से मैं आज, मतलब पूरे दिन से
आई हूँ तो ये कंटिन्यू चल रही है। इसका एक बार भी बंद नहीं होता, हल्का सा बंद होता है वो लोग आ जाते हैं दोबारा। इसकी सेकंड बॉटल है ग्लूकोज की, एक बॉटल कंप्लीट हो गई है। तो गाइस चीकू सो चुका है क्योंकि सुबह जाना है उसका स्कूल। तुबा और आयान को भी मैंने चीकू के साथ सुलाया क्योंकि आज मैं उनको अपने साथ ही सुलाऊंगी, बच्चे डर जाते हैं वरना ना। और कहते हैं माँ की गोद में बच्चों को सुलाना चाहिए, नैनी के पास नहीं सुलाऊंगी उसे। बस अब मैंने भी दलिया खाया और मैं जा रही हूँ सोने। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।